भारत को एक बड़ी खौफनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पे मीम्स का एक समंदर है, आइए इनमें से कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस मीम से, ये सुनने वाली। नाउ स्पॉस मैं इसमें क्या कहूं, बस आप भी इसको देख के एंजॉय करें। अच्छा, मार्क सिंगर बर्गर लिखते हैं कि जी, 10 विकेट्स ह्यूमिलिएशन फॉर इंडिया इन अ सिंगल पिक्चर। कप्तान इंडिया के कप्तान यहां से गायब। द आइंस्टाइन इंडिया टू बटलर एंड हेल्स, बस्कर सोनिया बस्कर। ये हमारी मौला जट की तरफ से खास इंडिया के लिए पैगाम है। आगे बढ़ते हैं जी, इरफान पठान। मुझे नहीं पता कि ये ओरिजिनल इनका अकाउंट है या जाली अकाउंट है, लेकिन इस पे लिखा आ रहा है, आई एम द बिगेस्ट डिस्ग्रेस इन दिस यूनिवर्स। कल जो उनका ग्रेसफुलनेस का जो एक मैसेज था, हाँ जी, उसका जवाब आया। हाँ, इरफान पठान की तरफ से एक और आया है कि जी, टीम इंग्लैंड, यू आर अ फार बेटर टीम, कंग्रेचुलेशंस फॉर टीम इंडिया, लॉट टू लर्न एंड कम बैक हार्डर नेक्स्ट टाइम। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद इनका ओरिजिनल अकाउंट है। आगे बढ़ते हैं जी, एहतिशामुल हक साहब ने कहा, हेलो बाबर, ये फाइनल में कैसे आते हैं? और इसका जवाब कुछ दूसरी मीम्स में ये भी है कि जी, ईमानदारी से। शंकर कुमार साहब ने लगाया जी, बटलर शोइंग केएल राहुल हाउ बैटिंग पावर प्ले इज यूज्ड, देख देख ना देख। आगे चलते हैं जी, मूसा वड़ाइच, आफ्टर 30 इयर्स द सेम टीम्स आर प्लेइंग फाइनल एट सेम वेन्यू मेलबर्न। इमरान खान के साथ ग्राम गूज बैठे हुए हैं और बाबर के साथ एलेक्स हेल्स नजर आएंगे। अच्छा जी, बाबर भट्टी लिख रहे हैं, पाकिस्तानीज आफ्टर वॉचिंग इंग्लैंड अपडेटिंग इंडियंस सॉफ्टवेयर। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। गोविंदा का एक बड़ा ही खास किस्म का मीम। प्रिया पांडे लिख रही है जी, हार्ट ब्रेकिंग अगेन, सिलेक्टिंग प्लेइंग 11 फॉर इंडिया डार्ट्स के जरिए और मेकिंग 2 मंथ्स आईपीएल शेड्यूल। आईपीएल में जो प्लानिंग होती है और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो प्लानिंग होती है, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। अरसलान मुगल, नाउ यू कैन गो इंडिया विद ग्रेसफुली। कितने आदमी थे। और इकरारुल हसन साहब पूछ रहे हैं और कोहली की आंखें बता रही हैं कि सिर्फ 2। आगे चलते हैं जी, रॉक सुंदर, डियर किड्स, आईसीसी ट्रॉफी इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। एडमिट, इसमें इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जी, एमएस धोनी जो थे वो इंडिया के लाइफ सेवियर थे और जितने बड़े बड़े टूर्नामेंट हैं वो एमएस धोनी के ही वक्त के अंदर आए। अनुज शरण लिखते हैं जी, कूल सा था, विकेट के पीछे से मैच बदल देता था, वो भी आज उनको धोनी बड़ी जोर से याद आ रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आज धोनी बड़ी जोर से याद आ रहे हैं। हाँ, उह करके किसी ने लिखा है जी, इंडिया लूजिंग बाय 10 विकेट्स, आई थिंक आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर। है जी, कुछ नया नया सा नहीं, कुछ पुराना सा लग रहा है। हाँ, ये देखें रिजेम्बलेंस, पाकिस्तान ने जी वर्ल्ड T20 में 24 अक्टूबर 2021 को हराया था इंडिया को, बगैर किसी विकेट के 152 रन बनाए थे 17.5 ओवर में, और आज इंग्लैंड ने 170 रन बनाए सिर्फ 16 ओवर के अंदर, और भारत की तरफ से 168 का जो टोटल था उसको बड़ी आसानी से चेस कर लिया, तो ये काफी रिजल्टेंस है। अच्छा, आमिर यूएसए लिख रहे हैं जी, इंडिया अब भी फाइनल में पहुंच सकता है अगर दिल्ली एयरपोर्ट का नाम फाइनल रख दिया जाए। यकीनन इंडिया जरूर पहुंचेगा इस फाइनल के अंदर। फिर एक और सारिफ जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है जी, T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने वाली टीम को $16 लाख का इनाम सुनकर शहबाज शरीफ की बाबर आजम को मिस कॉलिंग, कॉल ना उठाने पर मैसेज किया कि मैं मांगने के लिए फोन नहीं कर रहा लेकिन भैया मजबूरी है। ये शरारत की है, जबकि हमारे वजीर आजम साहब ऐसे नहीं है। पाकिस्तान इन लास्ट 1 ईयर, यहां पे आप जब परफॉर्मेंस लेवल देखें, प्लेड द सेमीफाइनल्स ऑफ T20 वर्ल्ड कप, फिर प्लेड द फाइनल ऑफ 2022 का एशिया कप, और अब इनटू द फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड कप T20 2022। अच्छा, अब हम करते हैं मवाजना। यहां पे इंडिया का जरा आप ग्राफ देखें, इंडिया इन आईसीसी नॉकआउट्स सिंस 2014,
सबसे पहले श्रीलंका का आप देखें, 2014 में फाइनल हारा इंडिया, उसके बाद 2015 में सेमीज में हारा ऑस्ट्रेलिया से, 2016 में सेमीज में हारा वेस्टइंडीज से, 2017 में फाइनल हारा पाकिस्तान से, 2019 में सेमीज हारा न्यूजीलैंड से, 2021 का वर्ल्ड कप फाइनल न्यूजीलैंड से हारा, और उसके बाद अब 2022 के सेमीज में इंग्लैंड से हारा। पता नहीं कौन लाया है ये मनुष्यत्व क्रिकेट बाय चांस इसको हम मनुष्यत्व भी नहीं कह सकते। अच्छा जी, फिदा हुसैनी ये लिख रहे हैं कि ओनली टीम टू लूज बाय 10 विकेट्स फ्रॉम टू टॉप टीम्स आफ्टर स्कोरिंग 150+। नो रोंदिया नो, पाकिस्तान की एक यादगार टी शर्ट जो कि हर पाकिस्तानी बड़े शौक से पहनता है। सारा ने जी ये एक मीम बनाई है, इसमें इंडिया की कब्र खुदी हुई है और इंग्लैंड की टीम इस पे विक्ट्री का निशान किए बैठी है। एक और ये मीम आई है जी, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की, ये इंडिया की जो आंखें हैं वो बता रही हैं कि उनको किस तरह से जीने की अब आदत है। हाँ, कोई सीखे इनसे, सीखे वर्ल्ड कप में 10 विकेट से कैसे हारा जाता है, कोई सीखे इनसे, कोई इनसे सीखे। चतुर का ये बहुत ही यादगार डायलॉग। ओके, ये ओरिजिनली जी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का जो ट्विटर अकाउंट है उससे ये कहा जा रहा है, इजिएस्ट रन चेज इन हिस्ट्री, और आगे क्वेश्चन मार्क। ओके, इंटरेस्टिंग। सागर यादव, 5 आईपीएल ट्रॉफीज, 1 आईसीसी ट्रॉफी थी, इसलिए जाने दिया, आईपीएल होती तो बाहों में होती। इनको फिर दोबारा अपनी आईपीएल याद आ रही। बी पॉजिटिव गाइस, रिलैक्स बॉयज, कुछ नहीं हुआ, असली वर्ल्ड कप तो ओडीआई वाला होता है। ओ, हम भूल गए, असली वर्ल्ड कप तो ओडीआई वाला होता है, टी20 वर्ल्ड कप की कोई औकात नहीं है। ये नुपुर समथिंग कुछ कह रहे हैं। अच्छा, ताहिर सिद्दीकी लिख रहे हैं जी, नो ग्रेस नो मर्सी, इंग्लैंड बैटर्स स्प्रेड नन इंडियन बोलर्स इन सेमीफाइनल। हम कोई मंदिर का घंटा है जो कोई भी आगे बजा जाता है, वाकई इंडियन बोलर्स का आज यही हाल था। हाँ यार, ये मीम बड़ी आज वायरल हुई है, कितने आदमी थे, बस दो ही थे सरदार। मोदी जी पूछ रहे हैं विराट कोहली से, आगे चलिए, तुम साला गुलाम लोग हमारी जूती के नीचे ही रहेगा, और पूरी इंडिया की टीम खड़ी हुई है और आगे इनके कप्तान रोहित शर्मा साहब है। अच्छा, जिसने पाकिस्तान को सताया उसने कभी कुछ नहीं पाया, ये भी हो सकता था कि जिसने पाकिस्तान को सताया उसने रक्षा चलाया, ये भी हो सकता है। टाटा बाय बाय पड़ोसियों। आगे बढ़ते हैं जी, इंडिया लुकिंग फॉर ग्रेस, अब मिलता ही नहीं, पता नहीं कहां है ये ग्रेस। इस तस्वीर में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। अच्छा जी, वी कैन पिक टू मोर टीम्स एंड विन एनी कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड। हार्दिक पांड्या का ये गुरूर और तकब्बुर से भरा जो बयान था वो आज फिर वायरल हो रहा है कि जी इंडिया ये कहता था कि जी हमारी दो टीमें हम इंडिया से और निकाल लेंगे और दुनिया में किसी भी टीम से मुकाबला कर लेंगे। तो भाई, आप पहले जो अपनी ए टीम है, हाँ, पहले उसको इस काबिल बना लीजिए कि वो बाकी टीमों से जीत लें। शहबाज शरीफ, हाँ, मेरे ख्याल में ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये सही उनके अकाउंट से है कि सो दिस संडे इट्स 142 वर्सेस 170। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये हो चुका है। हाँ यार, ये जो आखिरी मीम है ये बड़ी वाकई, देखिए क्रिकेट क्रिकेट ही होती है, और चार्ट करके एक समथिंग है, इन्होंने लिखा है कि जी, फील फॉर दिस मैन विराट कोहली, ही डिजर्व्स अ टी20 वर्ल्ड कप मोर देन एनीवन एल्स। ये कैमरामैन है जो शायद इंडियन टीम से बड़ी हो। अब मुझे नहीं पता कि ये ओरिजिनल उस मैच की है या किसी ने कुछ बना के लगाई है, लेकिन यकीनन बहुत सारे इंडियंस के आज दिल टूटे होंगे, पता नहीं खाना खाया होगा, पता नहीं नींद ठीक से आई होगी नहीं आई होगी। लेकिन गाइस, कोई नहीं, क्रिकेट होती है, आप इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच जो है वो एंजॉय कीजिए, और हमें गुड लक कहिए।